देवउठनी 11 सौ तुलसी विवाह पर कई मंदिरों में महाआरती और महाप्रसादी का वितरण किया गया एवं घरों घर तुलसी सालग्राम जी की पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलधर से हो गया। जलधर समुद्र में उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानव में युद्ध हुआ। जब जलधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे, आप जब तक युद्ध में रहोगे मैं पूजा पे बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलधर तो युद्ध में चले गए। वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुँच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों में छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिर गया। जब वृंदा ने देखा कि मेरा पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए और परवा कुछ ना बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। तब वृंदा ने अब भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकाल कर जब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे सालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी का पूजा सभी करने लगे। तुलसी जी का विवाह सालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी 11 के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।